अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बिन्त नबीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बिन्त हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या शरीफा बिन्त इमाम हसन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वक्त बारगाह जनाब शरीफा बिन्त इमाम हसन पर आया हूँ कि जो बहुत साहिब करामत हैं, बहुत साहिब एजाज़ हैं और बहुत ही दुआएँ यहाँ कबूल होती हैं, मन्नतें मुरादें इस जगह पर आती हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से इस जगह पर आते हैं अपनी हवाइज के लिए। अल्लाह ने तौफीक दी है कि आज उस बीवी की बारगाह में आए। सामने आपके ज़रिए है, आपका कब्र मुसहरा है, ज़ियारत करने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। आप बहराल औलाद हैं, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आप औलाद हैं और बहुत ही यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को बहरहाल लिख कर लगे हैं जो मौजज़ात हुए हैं और शफा मिली है जगह से, लोग लेकर गए हैं। आप भी बहरहाल, हम भी आए हैं शहर हिल्ला के अंदर। आपकी ये ज़ियारत है कि इस वक्त आपकी बारगाह में हम आए हैं। एक बहरहाल कारवाने अल मुज्तबा इस वक्त यहाँ पहुँचा हुआ है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने यह तौफीक दी है। इंशाल्लाह कि ज़रूर नायब ज़ियारा दुआगु हैं परवरदिगार से। बहरहाल अभी तामीरात वगैरह चल रही है, काम चल रहा है, इंशाल्लाह आइए आप लोग भी ज़ियारत करके जाइए इन सब बारगाहों में। कि खुदा वंदे आलम से यही दुआ है, खुदा आप सबकी तमाम हवाइज शरैया को जो है पूरी करे परवरदिगार, और तमाम जो जो मुश्किल गिरफ्तारियां हैं लबैत के सदक़े में इंशाअल्लाह बरतरफ हों। चले इजाज़त चाहते हैं, जैसे इस बीवी की बारगाह में मुलाकात हुई इंशाअल्लाह ऐसे ही किसी और इमामजादे की बारगाह में मुलाकात हुई, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। محمد